स्टार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल, बाय। अरे पागल निकले क्या, उसने स्टार्ट बोला एंड नहीं बोला। अरे गलती से कल का घासलेट उतरा नहीं क्या अभी तक? अरे नहीं, वो गलती से बोल दिया, वापस बोल, स्टार्ट स्टार्ट बोल रही। स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मैं शुभम कुमार। अबे बकचोद, मेरे को बोल रहा है वो अनपढ़, तेरे को बोल रहा है। हेलो एवरीवन, मैं सूरज कुमार। और वीडियो किस पे बना रहा है आज? अरे वो जवान का एक छोटा सा टीजर लीक हुआ ना, इसकी माँ का पहला पठान को चाटा, अभी जवान को। अरे ऐसी बात नहीं है भाई, माँ कसम सच में लीक हुआ है, समझा? ऐसे ही वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं। अरे नहीं नहीं नहीं, लेकिन तू पठान पे 10-20 वीडियो बनाया ना। अरे भाई, अभी जवान अभी यार, लेकिन लीक पे कोई वीडियो बनाता है क्या? चलेगा कुछ? अरे भाई नहीं, मैं बस भाई भी नहीं यार, बस तू भी बन जा यार, डिंचक पूजा की छोटी बहन बन जा तू भी। अरे वो फिल्म इंडियन रे। अरे तू भाई, तू जा जा जा, मैं बस एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ और कुछ नहीं बना रहा हूँ, बस। नहीं नहीं, बना 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 बना। अरे वैसा नहीं, 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 कुछ नहीं बना। अरे भाई तू गलत सोच रहा है। बस बस भाई, बस बस, कितना गांडू, फिर तेरा फोन का EMI भरना रहेगा ना, फिर आना नहीं मुंह उठा के मेरे पास। सूरज कुमार को सब्सक्राइब करो, आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते हो, एक लौता भिखारी हमारे पास, मतलब यूट्यूबर है, रिव्यू सेक्शन में जो अच्छा काम कर रहा है, सब्सक्राइब करो आप लोग। थूक दिया बड़वा। यार सुबह सुबह बाप का ताना ना सुनो ना, तब तक सुबह लगता ही नहीं कि सुबह हुआ है। तो सुबह सुबह मैं फटाफट मोबाइल उठा लेता हूँ सबसे पहला, एंड देखता हूँ ट्विटर खोल के कि किसकी पूछ लगी है। फिर पापा भी बोलते हैं, यार बेटा तू फ्रेश हो जाया कर, क्या सुबह सुबह पहले मोबाइल ही उठा लेता है। मैं बोला पापा धंधे का सवाल रहता है, आप समझते नहीं हो। तो फिर मैं देखा ट्विटर खोल के कि भाई साहब जवान ट्रेंड कर रहा है। अब आप लोग को मालूम ही है कि जवान का कुछ छोटा सा एक ग्लिम्स लीक हो गया है, उस पर बात करने से पहले मैं सारे SR के फैंस एंड पब्लिक को ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ गो एंड वॉच एटलीस्ट वन फिल्म ऑफ एटली, तब आप लोगों को मालूम पड़ेगा दैट ही इज़ द ओनली वन डायरेक्टर हु कैन मेक अ परफेक्ट बॉम्ब मास मसाला फिल्म। यार आप लोग प्लीज अपने ऊपर एक मेहरबानी करना, एक फिल्म देखना, एटलीस्ट थेरी देख लो तलपति विजय के साथ के, यार वो फिल्म देख लो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये कितना क्रेजी आइटम है, क्योंकि ये अपने फिल्म में सारे फ्लेवर एकदम इक्वली ऐड करता है। एंड जब वो फ्लेवर आप पर्दे पे देखते हो ना, आप स्टार्ट से लेकर एंड तक सीटी मारोगे, क्योंकि ये इतना बवाल डायरेक्टर है। और इस बार तो इस भाई साहब के हाथ में तो शाहरुख खान है। जब पठान का टीजर आया था ना, तो उस टीजर के टाइम पे आज से ठीक 4 महीने पहले ही मैंने ये बोला था, सुनो, 2 दिन में 100 करोड़ कमाएगा एंड अब की बार 500 करोड़ पार विद पठान। लिख के देता हूँ मैं, लिख के देता हूँ, और इस बार मैं वापस से लिख के देता हूँ दैट जवान विल बी द फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म टू कलेक्ट 800 करोड़ ओनली इन इंडिया। यार उसका एकदम साफ रीजन है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। पठान जब आई विदाउट प्रमोशन, वो फिल्म ने हाईएस्ट ग्रोसिंग बॉलीवुड फिल्म बन के बैठ गई। अभी बाहुबली 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया एंड 518 करोड़ के आसपास वो अभी पहुंची है। एंड वही बात मैं जवान की कर दूं, तो जवान में है विजय सेतुपति एंड तलपति विजय का कैमियो। अब तलपति विजय का फैन फॉलोइंग तो आपको मालूम है तमिलनाडु एंड इनफैक्ट तेलुगु स्टेट में, तो वहां पर तो आग लग जाएगा, तूफान मच जाएगा। एंड वहीं से ही देखना 200-250 करोड़ तो ऐसे ही वसूल लेंगे। एक और चीज मैं आपको बता दूं, पठान वॉज जस्ट अ टीजर, ये एक हाई लेवल का मास मसाला फिल्म होने वाला है। मैं उसका रीजन बता दूं साफ, क्योंकि जब इसका मैं आज एक लीक ग्लिम्स देखा मैं, ट्रस्ट मी दिस इज अ मैडनेस ऑफ एटली प्लस शाहरुख खान, मतलब ये लोग पागल हो गए एंड ये लोग तैयार है सिनेमा को बर्बाद करने के लिए। जस्ट लुक एट दैट ग्लिम्स, आतंक है आतंक यार, मचा डालेगा बॉक्स ऑफिस में। इमेजिन करो ये सिर्फ इतना सा ग्लिम्स लीक हुआ है और ये हाल कर दिया है। हालांकि मैं वो फुटेज आपको दिखाऊंगा नहीं, बट यार सोचो क्या आग लगाने वाले यार, इसको ऑफिशियली रिलीज करो यार, इससे पहले तूफान मच जाए, प्लीज रिलीज कर दो इसको यार, क्योंकि ये बर्बादी है, ये बर्बादी है। अब मैं आपको एक और साफ चीज बता दूं, जवान ने सिर्फ एक टीजर ही डाल दिया ना, उसको घंटा प्रमोशन करने की जरूरत ही नहीं। पठान वैसे ही विदाउट प्रमोशन तूफान मचाया था एंड ये तो भाई वैसे ही तैयार है, क्योंकि असली माल तो ये है। यार शाहरुख भाई ने बहुत लंबा ब्रेक लिया, लेकिन इस बार उन्होंने थाम लिया कि भाई साहब अब मैं सबको ब्रेक पे डालूंगा, क्योंकि अब मैं अपना जलवा दिखाऊंगा। हालांकि आप लोगों को भी देखने का मन है कि क्या है वो ग्लिम्स में, तो मैं उसका चिप कॉपी दिखा सकता हूँ आपको, ये देखो ऐसा ही कुछ है। सो ओवरऑल इस बार कुर्सी की पेटी बांधनी नहीं, कुर्सी उठा के सीधा फेंकनी है, क्योंकि यार इस बार कोई बैठ के फिल्म देखेगा ही नहीं, जवान इतना क्रेजी होने वाला है यार। एटलीस्ट सब पिक्चर देख के बैठे ले, आप लोग एक भी ट्राई करना, आपको मालूम पड़ेगा वो हथियार है हथियार यार। जस्ट इमेजिन शाहरुख खान प्लस कैमियो ऑफ तलपति विजय, सामने सेतुपति का वो क्रेजी विलनियस रूप जो हमने विक्रम में देखा है यार, उनका यार
वो बंदा कितना घायल कर देगा। अभी फर्जी से तो वैसे ही वो यहाँ पर बवाल मचा के रखे हैं, एंड वो तो भाई रुकने वाला है ही नहीं, इतना क्रेजी काम करता है, एंड एटली वैसा काम निकलवा के भी लेता है जो ऑडियंस को एक सरप्राइज फील करा दे। थिएटर फट जाएगा यार, कांट बिलीव यार, फट जाएगा, देख लेना। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हालांकि वो ग्लिम्स को तो शेयर नहीं करना चाहिए, मैं भी देखा तो मैं बोला कि यार कम से कम ओपिनियन रख देता हूँ अपना, तो आप लोग ही मांग रहे थे, मैं देखा मेरे इंस्टाग्राम पे भर दिए थे, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दो। वीडियो लाते रहूँगा, मिलते अगले वीडियो में, बाय।